हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 12x प्लस 9। तो आज हमारा क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और ये एक लंबा चौड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहले देखो इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, या मैं बोलूँ कि जो हमारे पास ये टर्म्स दे रखे हैं इनमें से जो वेरिएबल टर्म है उसकी जो मैक्सिमम पावर हो जाएगी वही क्या होती है, हमारी डिग्री हो जाती है इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा 4 का तो वो कितना देगा, मेरे को 2 देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका इंस्पेक्शन करके ये देख पा रहा हूँ कि मैं सपोज किसी मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाता, मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाता तो वो मुझे क्या मिलती, वो मुझे डिग्री 2 की क्या मिलती, एक पॉलिनोमियल मिलती। डिग्री 4 से रिड्यूस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। और डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आप जानते हो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया इसका, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का क्या मिल रहा होगा, मुझे एक पॉलिनोमियल मिल रहा होगा। ठीक है जी, इस प्रकार का एक पॉलिनोमियल मिल रहा होगा। आप ये जानते हो कि अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं लिखना चाहूँ, रूट हटा के इस चीज़ को लिखना चाहूँ, तो 4 बराबर 2 का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊँ इसको, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया हमें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी, ये होता है जी। तो यहाँ पे वही एक्सपेंशन लगाऊंगा मैं, किस में, इस वाले में, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा क्या, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा क्या, बी एक्स हो जाएगा, और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, स्मॉल सी, ये हो जाएगा ना, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी। तो करो जी इसका जो यहाँ पे लगाओ ये वाला मेथड, एक्सपेंशन करो इसका, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू ए बी, यानी कि 2 into AX² इंटू क्या हो जाएगा, बी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू बी सी, इट मीन्स 2 into BX बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 into C into A, इट मीन्स 2 into C into A हो जाएगा आपका AX², ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर हम इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे आपका ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पीछे वाला, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए बी एक्स की पावर 3, प्लस पीछे वाला क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी सी इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस पीछे वाला क्या हो जाएगा उससे, ट्वाइस सी ए इंटू एक्स स्क्वायर, ट्वाइस सी ए इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी डू, ओके, नाउ हमने जब इसका एक्सपेंशन किया, हमारे पास देखो ये एक डिग्री 4 की क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया इसका एक्सपेंशन करने पे। तो जो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, जो ये मिला मुझे, इसका जो कंपेरिजन है वो किसके साथ करो, जो हमारी ये इक्वेशन थी इसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल हमने पहले ये लिया था। अब इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा, इसके साथ कंपेरिजन करूँगा मैं जब, तो जो मतलब जो सेम डिग्री की जो टर्म है उसको उसी टर्म से क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 वाले को यहाँ के एक्स की पावर 4 वाले से कंपेयर करूँगा, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 का कंपेयर कर रहा हूँ मैं किससे, एक्स टू द पावर 4 से। यहाँ पे देखो कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक्स की पावर मतलब कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ऐसा होगा ये 1 into X^4, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये टर्म तभी इक्वल हो सकते हैं जब यहाँ पे क्या होगा, जो ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ए स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बराबर 1 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे स्क्वायर वाली टर्म है
उसका भी कंपेयर कर सकता हूँ मैं, उसका कंपेयर करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के बराबर होगा, यानी कि ये वाली टर्म के बराबर होगा। तो ये क्या टर्म है हमारी, टेन एक्स स्क्वायर है जी, टेन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या कर दी हमने, हमने इसको सिंप्लीफाई कहाँ किया, इसका कंपेरिजन बाद में होगा, पहले इसका सिंप्लीफाई करो भाई। ये देखो ए स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर तो अपनी जगह रहेगा, और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये एक यहाँ पे मिल गई, तो ये दोनों जोड़ना नहीं था इन्होंने, तो ये क्या हो जाता यहाँ पे, ये हो जाता प्लस, ये हो जाता आपका बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता। और यहाँ पे बाकी बाकी कोई टर्म जुड़ती, बाकी 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 एक्स स्क्वायर के बाद, हाँ वैसे एक्स क्यूब वाली पहले लिखनी चाहिए थी मुझे, पर चलो कोई नहीं, ट्वाइस ए बी एक्स क्यूब, और फिर ये भी लिख दो ट्वाइस बी सी एक्स, और ये जो बचा आपका सी स्क्वायर वो अपनी जगह प्लस सी स्क्वायर। अब करो इसका कंपेरिजन किसके साथ, इसके साथ। तो पहला कंपेरिजन वही होगा सबसे मतलब पावर फोर वाला, तो ए एक्स ये हमने ये कंपेरिजन किया इसका और इसका, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर। तो यहाँ से हमने कंपेरिजन किया तो ए बराबर क्या आया, वन आया। अब हम करते हैं एक्स क्यूब वाले का करते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब वाले का एक्स का वाले का इसमें भी दो हैं हमारे ए और बी वेरिएबल। चलो पहले हम इसी का करते हैं यार, एक्स स्क्वायर वाले का करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले में है हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाले में, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये है, तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ 10 है और इसका क्या है ये है, तो कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए एक्स स्क्वायर वाले के। तो इट मीन्स ये जो है हमारा बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी ए, ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं एक्स क्यूब वाले का करता हूँ कंपेरिजन, तो एक्स क्यूब वाले का देखो ये है हमारा ट्वाइस ए बी इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ क्या है एक्स क्यूब वाले का फोर कोफिशियंट, तो ट्वाइस ए बी जो इसका कोफिशियंट है इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ए बी बराबर फोर होना चाहिए। और जो हमारा एक्स का कोफिशियंट है वो यहाँ के एक्स के कोफिशियंट के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ है हमारा कोफिशियंट क्या ट्वाइस बी सी, और इधर है आपका कोफिशियंट क्या एक्स का 12, तो ट्वाइस बी सी बराबर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और जो सी स्क्वायर वाली टर्म है, सी स्क्वायर वाली टर्म है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, सी यानी कि कॉन्स्टेंट वाली टर्म है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये कि सी किसके बराबर है 9, तो सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। सी स्क्वायर अगर 9 के बराबर होना चाहिए तो सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये तो मिल गया, ए मिल गया मुझे, ए और सी मिल गया जब मुझे, तो मैं यहाँ पे से बी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, सी बराबर जब 3 मिल गया है तो यहाँ पे से बी निकाल सकता है, कैसे, ट्वाइस इंटू सी का मान रखूंगा मैं, 2 गुणा आ गया क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6 गुणा आ गया बी बराबर 12, तो यहाँ से मैं बी बराबर क्या निकाल सकता हूँ, 12 बटे 6 कितना हो जाएगा 2, तो बी बराबर कितना आया 2 आया, बी बराबर 2 आया, सी बराबर 3 आया। अब बी मिल गया तो यहाँ पे से ए तो हम जानते ही थे वैसे भी, यहाँ से भी वैसे बी बराबर 2 निकाल सकता था, ए बराबर 1 है अगर, तो यहाँ से देखो ए बराबर 1 रखूँगा ये क्या हो जाता, 2b बराबर 4 हो जाता, 2b बराबर 4 हो जाता, तो बी बराबर कितना रहता, तो उसने 4, देखो बी बराबर 2 आ गया, बी बराबर 2 आ गया आपका, ए बराबर कितना आया था 1 आया था, और आपका सी बराबर कितना आया था 3 आया था। तो यही हमारे ए बी सी जो थे ये कोफिशियंट, इनका मान पता चल गया, तो इनकी जो वैल्यू है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो, यानी कि किस में रख दो आप वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ये ए बी सी आई इनकी वैल्यू रखोगे, इनकी वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या बताएगा हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर देगा। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, ये 2 आई थी, तो 2 रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, जो ये है हमारा ये पॉलिनोमियल, ये क्या है हमारा, यही हमारा स्क्वायर रूट है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का पॉलिनोमियल दे रखा होगा परफेक्ट, जिसकी की डिग्री क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में हो, और हम उसको कंपेरिजन कर देंगे इस प्रकार से कि जैसे यहाँ पे डिग्री 4 की थी, और मैं यहाँ पे कंपेरिजन कैसे कर पा रहा हूँ इसका, कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि डिग्री 4 का जो कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल मिलेगी, और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर का इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हमें ये देगा। फिर जब इसका स्क्वायर हमने फाइंड किया, तो जो हमारी लाइक टर्म्स थी जैसे एक्स की पावर 4 वाली या एक्स की पावर 3 3 वाली इधर,
टू टू वाली, एक्स पावर टू वाली इधर और इधर, उनका कंपेरिजन किया। उनका कंपेरिजन करने से मुझे ए बी सी की वैल्यू मिली, ए बी सी की वैल्यू इसमें रखी तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो आ गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो वाला पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। और वो क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो आपने देखा कि हमने कौन से स्टेप फॉलो किए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के स्क्वायर रूट को फाइंड करने में। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।